अभी गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है, इस पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। अभी घर से निकल रहा हूँ और नए लोकेशन पे जा रहा हूँ घूमने। आपको बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट साइड जा रहा हूँ इंडिया का। तो चलिए हमारे साथ घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं। वंटी वंटी चल मोंटी, बाय बाय। ये मम्मी है और मैं अब निकाल रहा हूँ। अब रास्ते बात करते हैं। भैया का वेट कर रहे थे और भैया आ गए। रात में चमत्कार हो गया। हाँ, रात तक तो काफी आ गए हैं बाबा। एक और नई मंगलमय यात्रा के लिए। मंगलमय यात्रा के लिए इससे पहले भी हमने कई कारनामे किए हैं। बिना वीजा पासपोर्ट के नेपाल में घुस गए थे अचानक से। और इस बार देखो कहाँ जाते हैं। इस बार नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं ना भैया? नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। उधर डिसाइड नहीं किया, तो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है नॉर्थ ईस्ट का, उसके बाद वहां तक पहले पहुंचते हैं, फिर सोचते हैं आगे कि सिक्किम की तरफ मुड़े कि मेघालय की तरफ कि गुवाहाटी की तरफ। लेट्स सी। तो मिलते हैं अभी। अभी सोनी की क्लास भी लेंगे रास्ते में, आप लोग देखिएगा। ये मेरे भैया है और ये नितिन भैया। टिमी भैया बोलने का। हाँ, टिमी भैया। और इन नाम नहीं लेने का रहता है वीडियो पे। अच्छा, और ये मेरे धीरज भैया है और वो लड्डू भैया। और अभी सब लोग निकल रहे हैं घर से, अभी कार से। और चलिए सफर का आनंद लेते हैं। तो निकल गए हम लोग। सबसे जो डिफिकल्ट रास्ता होता है वो घर से निकलने का रहता है, क्योंकि तो पटना की सड़कें हैं। ये देखिए बड़ा सा ट्रक आ गया सामने से, दिखाओ ज़रा। ये आ गया, उसके बाद हम नेशनल हाईवे हमें मिल जाएगा NH 98 जिसे पकड़ के साएं साएं। बिहार में बाहर की रोड काफ़ी अच्छी बन गई है, पर इंटीरियर अंदर अंदर की रोड सब भी वैसी ही है। लोगों ने जगह नहीं छोड़ी थी, जैसा और कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। तो चलिए इससे सवेरे सवेरे निकलते हैं ताकि ट्रैफिक कम मिले और शहर के लिमिट से बाहर भाग जाएं। जब तक ट्रैफिक जनता जागे तब तक हम बाहर हो जाएँ। बाकी फिर आगे मिलते ही देखिए। आ गया NH, ये मोटे मोटे ट्रक। ये लड्डू भैया है और ये धीरज भैया, ये हमारे एक्सपर्ट। पहले भी जान गई है जनता की वो धीरज भैया है। दोबारा से बार बार कब बता रहे हैं। बने रहिए ब्लॉग में, आगे आपको पता चलती ही रहेगा कि कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग फ्यूल स्टेशन आए हैं फ्यूल भरवाने। नहीं, फ्यूल स्टेशन पे हम और कुछ भरवाने आए हैं। गाड़ी का टंकी फुल हो गया है, सफर बिंदास हो रहा है। चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर जाकर किसी और को भी टंकी फुल होगा घर के लिमिट्स के बाहर, और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। भैया जी इसलिए जा रहे हैं साथ में। ना हद दो, ना हद दो देव, ना पिए हम, ना पिए देव। हमारे भैया ऐसी है। नहीं लेके आए तो लगाना सॉरी सट। हाँ, नहीं मानेगा पुलिस वाला ना तो कुटाई होगा। आपको दिखाने का यूट्यूबर कैसे कुटाई होगा। यूट्यूबर की कुटाई एकदम हेडलाइंस के साथ। यूट्यूबर की कुटाई बिना मास्क लगाए। अरे तो वायरल हो जाएगा, तू स्टार बन जाएगा रातों रात मास्क नहीं पहन के। फिर वो सिंपैथी वोट लेना, हमने हमने अपना चेहरा ढका था टी शर्ट से, हमको अपने अंदर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी पुलिस ने हमको पीट दिया। बहुत अन्याय है भारत के नागरिकों के साथ।
₹500 फाइन लग गया था हमको यहाँ गैंगटॉक में। मास्क नहीं लगाया था हम लगा के रखे थे। मास्क पहने हैं पर मुंह पे नहीं पहने हैं। जरा सा मास्क जरा सा नीचे भी हो रहा था ना मास्क तो फाइन था ना। सब जगह से हट रहा रेस्ट्रिक्शन उस वक्त तो कोई भी बॉम्बे में कैसे कर लेता। हाँ, बॉम्बे में एक एक मिनट पे मतलब ऐसे सब लोग खड़े थे कितने कितने रहा। और कोलकाता गए थे तो वहाँ भी कोई मास्क पहने हुए भी है फिर भी चलो साइड में ले जाकर पैसा दिया तो ठीक है, इधर दो घंटा बैठाया उसके बाद फिर छोड़ा। वही बात रहती है कि उस वक्त ज्यादा स्ट्रिक्ट था क्योंकि इंडिया में कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है इसलिए हम लोग घूम भी पा रहे हैं। मास्क भूल भी गया। मास्क अब कुछ स्टेट से रिस्ट्रिक्शन हट भी गई है अभी। बिहार में मुझे लगता है ऑफिशियली नहीं हटी है पर पटना में तो केसेस नहीं है अभी। मुझे लगता है इट इज फेयर इनफ कि मास्क पुलिस देखे तो पहन लो अभी भी जब तक कि फॉर्मली नहीं रिस्ट्रिक्शन हटते हैं। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह क्लास लेते रहेंगे सब क्लास देते रहेंगे। ये रहा हमारा पटना का एम्स। एम्स की बिल्डिंग ये बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। इसके होने से बहुत राहत हो गई है, नहीं तो जनता दिल्ली भागती थी। अब काफ़ी लोगों को दिल्ली जाने से लोग बच जाते हैं एम्स के यहाँ पर हो जाने से। काफ़ी सारे क्रिटिकल डिजीजेज इवन जो लोग बैंगलोर जाते थे निमहान से ये सब वो सब अब वो लोग यहीं पर आ जाते हैं। डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, क्लीन हॉस्पिटल है, प्रोफेशनल है। तो जिन लोगों ने भी जिनकी भी मेहनत से ये हॉस्पिटल पटना में आया उनको सारे पटना और बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद। उन पॉलिटिशियंस उन प्लानर्स उन इंजीनियर्स की उन डॉक्टर्स की जिन्होंने ये दूरदर्शिता दिखाई और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी राहत दी यहाँ पर एम्स बना करके। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू आगे वालों की तरफ से भी क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं नहीं तो हमारा थैंक यू हो जाएगा। ये जेपी सेतु पुल है जो पटना में है। 11 किलोमीटर का इसका लेंथ है इस पुल का। और ये गंगा जी के ऊपर से निकलती है ये और सीधे जाकर सोनपुर में उतरती है ये पुल। रुक जा 11 किलोमीटर पुल का लेंथ नहीं है, ये फ्लाईओवर है जो जेपी सेतु तक लेके जाएगा। उस फ्लाईओवर का लेंथ इतना मस्त फ्लाईओवर है, पूरे पटना का दर्शन इससे होता है और खाली रहता है। ट्रैफिक कंजेशन इतना कम हो गया है इससे कि आराम से आप मतलब जो पहले पटना से बाहर निकलने में 2 घंटे का टाइम लग जाता था, 1.5 घंटे का टाइम लग जाता था ट्रैफिक जाम की वजह से, वो इस फ्लाईओवर पे साए 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 और पूरा पटना दर्शन करते हुए ट्रैफिक भी कम रहता है सीधा गंगा नदी पे पहुंचते हैं जेपी सेतु पे और वहां से हाजीपुर। उधर आप अपने राइट में देखेंगे, आइए देखिए अब पटना के चीजें। देखिए ये जगजीवन स्टेडियम दिखेगा अभी थोड़ी देर में। ये दानापुर स्टेशन उस तरफ, तो ये ऐसा फ्लाईओवर है जिसपे अभी तो फिलहाल क्योंकि इस पर काफ़ी ट्रैफिक कम रहता है तो लोग इसको ड्राइव करने ड्राइविंग सीखने के लिए यूज़ करते हैं और सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिएगा ये जनता मॉर्निंग वॉक का आनंद ले रही है पर काफ़ी फास्ट रोड है तो इतना मतलब थोड़ा सा लोगों को कॉशियस रहना चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ फोटो खिंचवाने भी आते हैं अभी फिलहाल जब तक ये नया तब तक जनता फोटो खिंचवाने आती है, योगा करने आती है, एक्सरसाइज करने आती है, ड्राइविंग से यहाँ फोटो खिंचवाने आते हैं बहुत सारे लोग और अपने गाड़ी का स्पीड टेस्ट करने आते हैं, ये सब करने आते हैं यहाँ पर। और काफ़ी ये पुल खाली भी रहता है, एकदम भीड़ रहता नहीं है तो मतलब आप देख भी सकते हैं पूरा रोड खाली है। देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग अभी मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं। पुल की काफ़ी अच्छी लेंथ है तो अच्छा खासा सबका रनिंग भी हो जाता है इसमें। और यहाँ से पटना का व्यू भी अच्छा दिखता है, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी नज़र आती है यहाँ से। ये पॉइंट मुझे लगता है सबसे ऊंचा पॉइंट होगा। हाँ, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से पूरा शहर नजर आता है। हेलो गाइस, अब हम लोग चश्मा पहन के
थोड़ी देर में चश्मा खरीदना है, चश्मा रह गया है, डिसाइड किया था पर चश्मा मिला नहीं, तो जहाँ सिलीगुड़ी में या जहाँ पे भी चश्मा मिलेगा चश्मा पहन के फिर हम वापस फोटो खिंचाएंगे। पटना का पाटलिपुत्र स्टेशन है, तो आ गए, ये फ्लाईओवर खत्म हो गया और सामने दिख रही होगी आपको गंगा रिवर। हाँ, गंगा नदी का नजारा। जय हो गंगा मैया की, जय हो, जय हो। ये है गंगा जी, इस जगह को बोलते हैं दीघा। ये सेतु जो है ये हाजीपुर को कनेक्ट कर देगा ये सामने वाला, और ये जो आपको सामने एक ब्रिज दिख रही है इसका नाम है जेपी सेतु, ये हाजीपुर को कनेक्ट करती है ये ब्रिज। और इसकी भी लेंथ अच्छी खासी है, मुझे याद नहीं है कितनी है, इसके ही होने से पटना से बाहर निकलने का टाइम काफ़ी कम हो गया है। हाँ, और ये गंगा रिवर दिख रही होगी साइड साइड, तो यहाँ लोग शाम को आते भी है पिकनिक टाइम का मनाने, काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ शाम के टाइम में। जेपी सेतु पुल पे हम लोग चढ़ गए हैं और ये सीधे हाजीपुर को कनेक्ट करती है ब्रिज, तो देखिए हम लोग जा रहे हैं इस ब्रिज पे। तो हम लोग कभी कभी ऐसे भी घूमने आ जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, छोटा मोटा राइड जो ये हम लोग कर लेते हैं यहाँ। अभी जब हम ब्रिज पे चढ़ने जा रहे थे तो उससे ठीक पहले वीडियो बना रहे थे और उससे ठीक पहले पुलिस चेक पोस्ट आता है, तो हमें ध्यान नहीं रहा और मुझे तो लगा कि पुलिस शायद अपना ही वीडियो बनाने लग जाया कि चारों के चारों बिना मास्क के घूम रहे हैं। लगता है थोड़ा रिस्ट्रिक्शन मतलब थोड़ा सा लूज हुई है, नहीं तो पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट था यहाँ पे बिहार में, उसने रोकी नहीं गाड़ी, फेयर एनफ, लेकिन मास्क लगा लेना चाहिए, मास्क लगाना जरूरी है भाई, वही ढूंढ लेते हैं क्योंकि अननेसेसरी का पंगा नहीं करना चाहिए। लंबी यात्रा है और अभी तो अपने स्टेट में है, अभी तो शाम होते थे दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, शाम होते थे दूसरे स्टेट में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिक नहीं पहुंचेंगे, ये भाई साहब चला रहे हैं गाड़ी प्रेशर लेके, भाई साहब को जिनके एफर्ट की वजह से हम पहुंचेंगे। वैसे ड्राइविंग जब भी हम लॉन्ग रूट पे निकलते हैं, एक हम चारों के भी अच्छी बात यह है कि हम चारों को ड्राइविंग आती है। हाँ, और गाड़ी सब लोग चला लेते हैं, पहले भी हमने काफ़ी सारे ट्रिप्स किए हैं जो मैं कभी रस्ते में बताऊंगा, हम लोग बताएंगे कारना में सोनू के सोनू की दुनिया चल रही है, बने रही है और नहीं भी बने रहिएगा तो कोई बात नहीं, मेरे कारनामे तो बहुत है और भैया अच्छे से सुनाएंगे मेरे कारनामे।